जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। व्रत त्योहार उपाय चैनल के सभी व्यूअर्स को, खासतौर पर सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के व्रत की ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, जो कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह व्रत हमारे पति के लिए खास तौर पर रखा जाता है, क्योंकि सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रहकर अपने पति की लंबी उम्र, उनकी तरक्की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं रखती हैं, साथ ही यह व्रत वह महिलाएं भी रखती हैं जिनकी शादी फिक्स हो गई है। तो करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार रख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कौन सी है वो खास बातें जो कि आपको करवा चौथ का व्रत रखते समय ध्यान रखनी है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखते हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। यह व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले शुरू हो जाता है, जो कि शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर पूरा किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार में कौन कौन सी सामग्री आती है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। इस दिन आपको लाल रंग का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर आपकी शादी अभी नई नई हुई है या फिर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है तो आप कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े ही पहनें। और अगर सुहाग का जोड़ा यानी शादी का जोड़ा आपको फिक्स आ जाता है तो आप वह ज़रूर पहनें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर शादी का लहंगा आपको किसी वजह से फिक्स नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी चुनरी जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है और बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि कोई भी सुहाग की पूजा हो तो उसमें जो हमारी शादी की चुनरी होती है उसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस दिन, क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, इस व्रत की शुरुआत सूर्य उदय से पहले की जाती है। कुछ घरों में सर्गी की परंपरा होती है, तो अगर आपके घर में भी सर्गी की परंपरा है तो सूर्य उदय से पहले उठकर सबसे पहले सर्गी ले लें। सर्गी लेने से पहले नहा धो लें, अच्छे से तैयार हो जाएं, उसके बाद ही सर्गी ग्रहण करें। सर्गी क्या होती है, सर्गी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन दे सकता है सर्गी, इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको मदद मिलेगी। दोस्तों इस व्रत में सर्गी भी ली जाती है, तो अगर आपके घर में आपकी सास हैं तो वह आपको सर्गी दे सकती हैं। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि उनकी सास नहीं है तो वो सर्गी किससे लें। तो अगर आपकी सास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी जिठानी से भी सर्गी ले सकती हैं। और अगर जिठानी भी नहीं है तो आप सर्गी अपने हस्बैंड को बोलिए, वो आपको सर्गी तैयार करके दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप सर्गी की परंपरा पूरी कर सकती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम को करीब 4 से 5 बजे के बीच में आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुननी है। इस कथा को सुनने की भी कई जगह पर अलग अलग परंपराएं होती हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर जो हमारी थाली होती है पूजा की, जिसमें हम करवा रखते हैं और बाकी सामग्री रखते हैं, उसको हम बदलते हैं। तो यह परंपरा बेसिकली काफ़ी सारी औरतों के बीच में होती है। सब औरतें 16 श्रृंगार करके खूब अच्छे से सज संवर के इस परंपरा को पूरा करती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा यह परंपरा नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि इस परंपरा को आप करें लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास साथ में नहीं हैं, तो आप अपनी सास के साथ भी इस परंपरा को कर सकती हैं। साथ ही अगर आपकी जिठानी है तो आप उनके साथ भी इस थाली को बदल सकती हैं। इस थाली को आपको 7 बार बदलना होता है। दोस्तों जब 4 से 5 के बीच में आप पूजा करेंगी, थाली बदलेंगी, उससे पहले आपको करवा चौथ की कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं माना जाता है। तो अगर आप करवा चौथ की कथा जानना चाहती हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से कथा सुन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों करवा चौथ के दिन अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन किस
रंग की साड़ी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आजकल फैशन का दौर है तो हर चीज़ मैचिंग मैचिंग चलती है, तो कभी क्या होता है आपको नहीं अंदाज़ा होता है कि किस रंग को आपको पहनना है, कौन सा रंग अशुभ होता है। ख़ास तौर पर जब भी आप सुहाग से जुड़ा हुआ कोई व्रत रखती हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो कौन से हैं वो रंग मैं आपको बता देती हूँ जो कि करवा चौथ पर आपको पहनने हैं। करवा चौथ के दिन आप चटकीले रंग की साड़ी पहने। चटकीले का मतलब हो गया ब्राइट कलर्स, जैसे कि रेड हो गया, मर्जेंटा हो गया, येलो भी आप पहन सकती हैं, मरून कलर पहन लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप ना जैसे डल कलर होते हैं लाइक ब्राउन है, ब्लैक तो बिल्कुल भी मत पहनिए, क्योंकि जो काला रंग होता है वो हमारे सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है किसी भी पूजा में। तो और ये तो खास तौर पर हमारे सुहाग से जुड़ी हुई पूजा है, तो काले रंग को बिल्कुल भी आप ना पहने, अवॉइड करें, चाहे वो ज्वेलरी ही क्यों ना हो। क्योंकि काला रंग जो होता है वो सिर्फ हमारे जो मंगलसूत्र होता है उसके जो मोती होते हैं सिर्फ उन्हीं में शुभ माना जाता है। इसके अलावा कोई किसी भी तरह के आप चाहे ड्रेस पहन लें, साड़ी पहने, काला रंग बिल्कुल भी ना पहने। इसके अलावा सफ़ेद रंग, ये भी आपको करवा चौथ के दिन अवॉइड करना है, क्योंकि सफ़ेद रंग वैसे तो शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग की जब बात की जाती है तो यह हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है, तो सफ़ेद रंग भी ना पहने। गोल्डन पहन सकते हैं आप, लेकिन मैं तो ये कहूँगी, इनफैक्ट सभी हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा ही माना गया है कि सुहाग से जुड़े हुए किसी भी व्रत में लाल रंग और मैरून रंग बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस दिन लाल या मैरून रंग को ही का आप चयन करें। और अगर आप चाहती हैं कि आप अपने राशि के अनुसार कोई साड़ी या कलर पहनना चाहती हैं, साड़ी का या लहंगे का, तो उससे जुड़ा वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। राशि के अनुसार भी आप अपने साड़ी के रंग का चयन कर सकती हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि उनकी शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन शादी फिक्स हो गई है, मतलब कि एंगेजमेंट हो चुकी है, तो ऐसे में उन्हें इस व्रत को कैसे करना है, कि क्या वो चांद को देख के अर्घ दे सकती हैं या क्या विधि रहेगी। तो उसका मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है, सगाई हो गई है, लेकिन शादी के साथ फेरे नहीं हुए हैं, तो उसके लिए नियम कुछ अलग हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको लाल जोड़ा तो पहनना ही है, क्योंकि आपकी सगाई हो गई है तो आपके ससुराल से भी लाल जोड़ा आ सकता है, चाहे वो सूट हो या साड़ी हो या लहंगा हो, जो भी है, तो ससुराल से आए हुए जोड़े को ही आप पहने इस दिन। क्योंकि आपका पहला व्रत है और शादी नहीं हुई है, तो आपको चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है इस दिन, आप तारों को अर्घ देकर अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। अगर आपके मंगेतर आपके साथ हैं तो वो आपको जल पिला सकते हैं, और अगर वो आपके साथ नहीं है किसी भी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तारों को अर्घ देकर अपने हाथ से भी जल ग्रहण कर सकती हैं। पूजा की विधि वही रहेगी जो कि मैंने आपको बताई है, जिस तरह से सुहागन महिलाएं इस पूजा को करती हैं, सुबह सरगी लें और सारी पूजा विधि जो भी बताई है, दिनचर्या आपको, वो सेम ही रहेगी। आपको निर्जला व्रत रखना है, सरगी लेनी है, पूरे दिन आपको लाल जोड़ा ही पहनना है, जैसे आप चाहें तो लाल चुनरी भी केवल अगर चाहें तो ले सकती हैं, उसे ओढ़ करके आप अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए विधि जो मैंने बताई है पूरे अपना पहले वही रहेगी, चांद को अर्घ देकर ही आपका व्रत पूरा होगा। जब चांद को आप अर्घ देंगी तो कोशिश करें कि जाली से आप चांद को देखें, और छन्नी से मतलब, और छन्नी से चांद को देखने के बाद अपने पति का चेहरा देखें। ऐसा माना जाता है कि जो छन्नी होती है उसे जितने छेद होते हैं, हजारों छेद या मैं कहूँ सैकड़ों छेद होते हैं, तो उतनी ही हमारे पति की उम्र लंबी होती है। इसीलिए ये विधि बताई गई है कि छन्नी से चांद को देखने के बाद पति का चेहरा देखा जाता है, उनके हाथ से जल पीकर अपने व्रत को पूरा किया जाता है। तो इसी विधि से आप भी व्रत करें, और एट लास्ट आपको अपने पति के चरण छूने हैं, आशीर्वाद लेना है। घर में अगर सास ससुर हैं तो उनके भी चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें, बहुत ही ज़रूरी होता है बड़ों का आशीर्वाद मिलना। और अगर किसी वजह से पास में नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने पति के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। और मैं कामना करती हूँ आप सभी का करवा चौथ का व्रत सफल रहेगा, आप सभी के और मेरे पति की उम्र लंबी होगी, और हम इसी तरह करवा चौथ का व्रत रखते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो बेहिचक मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों का जवाब देने की। मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। जय माता दी।